लोहे का पुल है, और बगल में जो है पुराने वाला पुल है, ये जो रेड वाला देख रहे हैं सामने की साइड, वो जो आप देख रहे हैं वो रेड वाला, वो पुराना लोहे का पुल है, और ये नया लोहे का पुल है जो बनाया जा रहा है। और दोस्तों ये काफ़ी सालों से बन रहा है, काफ़ी सालों से बन रहा है, और आज हम आपको इसकी अपडेट देंगे कि ये कितना कंप्लीट हो गया है, आगे तक लेके चलेंगे और कितना बचा हुआ है। दोस्तों इसको बनते हुए काफ़ी साल हो गए और आज इसकी अपडेट देंगे। दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो दोस्तों आज आपको इसकी फुल अपडेट देंगे। और दोस्तों इधर तो पूरा कम्प्लीट है, और इस पर वैसे जो रेलवे की जो लाइन है वो अभी बिछनी बाकी है, ऊपर लाइन वगैरह कुछ नहीं बिछी है, क्योंकि बीच में से ये आप देखे थे खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए ये पुल तो बन चुका है, लेकिन जो बीच का जो इसका गैप है जिसमें पटरी वगैरह बिछेंगी वो अभी बिल्कुल खाली है। और उधर आप देखेंगे उधर लोहे का पुल है। दूर तक बनता हुआ जा चुका है लोहे का पुल, और ये पुराने वाला रेल का पुल है। ये पुराने वाला रेल का पुल है। इस समय एक साइड इसके जो जाने वाली है यहाँ से इधर शास्त्री पार्क की तरफ से जाने वाली जो है यमुना बाज़ार की तरफ, वो वाली लेन बंद कर रखी है एक महीने के लिए मेंटेनेंस के लिए। और लेकिन जो यमुना बाज़ार से आने वाली जो लेन है वो केवल एक चालू है, बाकी एक साइड चालू है इसकी लोहे की और एक साइड बंद है। और दोस्तों जब इस पर ट्रेन गुजरती है तो थोड़ी सी स्पीड बहुत काफ़ी मंदी हो जाती है। देखो आप देखो सामने स्पीड रेल जो जा रही है थोड़ी मंदी स्पीड पे जा रही है, काफ़ी मंदी स्पीड पे। और ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ काफ़ी पुराना है, इसीलिए अब ये नया पुल के लिए बनाया जा रहा है। और ये लोहे का जो पुल है और काफ़ी दूर तक बन के जा चुका है, वैसे ऐसी बात नहीं है, काफ़ी ये पीछे से बनता हुआ आ रहा है। और जो नीचे का काम था पिलर वगैरह का तो वो तो हो चुका, आगे और देखते हैं कि पिलर वगैरह का पूरा कंप्लीट है। और क्योंकि अभी इसमें समय काफ़ी लग जाएगा, क्योंकि अभी रेल की जो पटरी वगैरह बिछने का काम है वो है, लाइटिंग वगैरह का काम है, बिजली के तार वगैरह का काम, उसमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन पहले पुल कम्प्लीट हो जाए। चलो और आगे चलते हैं। और ये देखिए ट्रेन की स्पीड देखो कितनी मंदी चल रही है, बहुत धीरे धीरे। नीचे यमुना जी है, ऊपर ये ट्रैफिक चलता है, इसके ऊपर ट्रेन चलती है। काफ़ी पुराना अंग्रेज़ों के समय का पुल था ना, इसलिए इसको नए पुल के बगल में बनाना पड़ा, लेकिन ये भी काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं बनते हुए, काफ़ी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और आगे का, और यहाँ भी थोड़ा सा इस तरह के बीच बीच में ये इसलिए बना रखे हैं, शायद सेफ्टी फीचर के लिए बना रखे हैं इस तरह का। पीछे भी बना रखे थे दोस्तों, शायद जैसे कि कोई मैकेनिक वगैरह काम करते हैं तो ट्रेन वगैरह आए तो यहाँ पे इसके बैठने का कोई इंतज़ाम हो इस तरह का, कोई सेफ्टी वगैरह का। और ट्रेन थोड़ी धीरे चली रही है, और ये जो यहाँ पे बनी हुई है गौशाला बनी हुई है। और दोस्तों वैसे थोड़ा सा काम ऊपर का तो लगभग हमें कंप्लीट सही लग रहा है, इसमें पिलर वगैरह तो सारे कंप्लीट हैं, सब कुछ कंप्लीट है, ऊपर जो सेटमेंट वगैरह ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और चलो और आगे देखते हैं। ये और थोड़ा सा आगे का है पुल का, और ये पीछे से आप देखें क्रेन वगैरह भी खड़ी हैं। और दोस्तों ये जो सेफ्टी फीचर ये इधर बना हुआ है, ये जो आपको हम दिखाते हैं पिलर के ऊपर, ये जो सेफ्टी फीचर के लिए बनाया है, ये इसी में नहीं, पुराने वाले में भी आप देखोगे, पुराने लोहे के पुल में भी, ये बीच में आप सामने देख रहे हो वो जो जाली सी लगी हुई है, ये दोस्तों ये इसमें पुराने पुल में भी सेफ्टी फीचर है। और ये दोनों साइड है, इधर भी लेफ्ट भी और राइट भी दोनों साइड ही बना हुआ है। और आगे क्रेन वगैरह भी काफ़ी लगी हुई है।
जैसे कि यमुना जी में पानी जब ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ सारे में बाढ़ में पानी भर जाता है, काफ़ी दूर तक चला जाता है। ये नीचे ये झुग्गी बनी हुई है, काफ़ी सारी झुग्गी बनी हुई है, ये झुग्गी हुई सारी पानी में डूब जाती हैं। और इधर ये खेती की जगह है, ये खेती वगैरह कर रखी, सरसों वगैरह बो रखी है उधर। ये देखिए हम आगे आ चुके हैं, क्रेन वगैरह भी काफ़ी ऊँची लगी हुई है और यहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा सेटमेंट का। ये ठोक रहे हैं, ये देखो जीने से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे मजदूर वगैरह लगे हुए, जीना लगा रखा, जीने के थ्रू जीने के द्वारा ऊपर सामान ले जा रहे हैं। और ये यमुना जी आ गए, उसका किनारा आ चुका और पिलर वगैरह तो काफ़ी दूर तक देख रहे हैं, लेकिन आगे जाके कुछ आगे सेटमेंट का काम बचा हुआ है, जो दो या तीन पिलर शायद बचे हुए, वो थोड़ा सा और आगे जाके देखेंगे। और लोहे का पुल है ही बगल बगल में, साथ साथ में चल रहा है। दोस्तों जब यहाँ पे दिल्ली में थोड़ी सी पीछे से पानी हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया जाता तो यहाँ हम जब खड़े ये सारे में पानी वगैरह सारे हो जाता है और दूर तक चला जाता है। पीछे उधर गौशाला भी है, उनको भी शिफ्ट करना पड़ा था, और झुग्गी वगैरह भी बनी हुई, इधर जंगल भी है, इधर थोड़ा खेती लोग वह खेती भी करते हैं और इधर काफ़ी झुग्गी भी बनी हुई है इसके नीचे। और ये देखिए लेकिन काम तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, लास्ट में ही है वो थोड़ा सा बिजली वगैरह का और लाइनिंग वगैरह का, जो रेलवे लाइन का, वो तो पीछे से बिजली भी आएगी एक साथ ही, लेकिन काफ़ी काम हो चुका है। हम भी इधर पहली बार ही आए, चलो और थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इस साइड से जाके आगे की अपडेट देते हैं। ये जो सेटमेंट ऊपर पहुँचाएंगे देखो, तो क्रेन से रस्सी बांध के और ये क्रेन के द्वारा ये ऊपर पहुँचाए जाएंगे, क्रेन इस वाली क्रेन के द्वारा ये सेटमेंट बांध दिए। और ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा और आगे का लोहे के पुल का, और आप देखिए काम की प्रोग्रेस, और बाकी वो क्रेन पीछे लगी हुई है जो सेटमेंट को, ये लोहे के जो ग्रिल वगैरह होती है इनको बांध के ऊपर पहुँचा रही है, और मजदूर भी उधर लगे हुए हैं, लेकिन अधिकतर काम जो पिलर को जॉइंट वगैरह करने का है वो लगभग जहाँ तक भी हम देख रहे हैं कंप्लीट हो चुका, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ी लगी हुई, उसके वहीं से मेरे ख्याल सामान वगैरह को इधर लेके आते हैं। आगे देखो ये सामान वगैरह भी रखे हुए हैं, ग्रिल वगैरह, वो गाटर वगैरह कुछ रखे हुए हैं, और आगे क्रेन लगी हुई है, वो सामने आप क्रेन देखेंगे काफ़ी बड़ी, उधर क्रेन भी लगी हुई है जो आगे लगा रही है। और करीब दोस्तों तीन पिलर का थोड़ा सा काम अभी बचा हुआ है, जो जॉइंट का है दो ही समझ लो दोस्तों, तीसरे पर तो रखा हुआ है, दो पिलर अभी बाकी हैं। और ये देखिए ये यमुना जी आ रही है इधर से, और ये पूरा इधर लोग वह खेती भी करते हैं, थोड़ा जंगल का है सारा, ये देखिए आप पूरा जंगल है, इधर थोड़ी झुग्गी वगैरह बना रखी है, और यमुना जी के उधर भी काफ़ी झुग्गी है। और थोड़ा सा और आगे की साइड को लेके चलते हैं, देखते हैं वहाँ से थोड़ा सा कवर हो जाए कि दूर से दिखाई दे जाए। ये थोड़ा सा और पास आ गए हैं जितना आ सकते थे, और ये आप देखें बिल्कुल यमुना जी के किनारे, क्योंकि अभी जाने वाली सड़क दोस्तों उधर से बंद कर रखी है, ये आने वाली तो उधर से ओपन, ये उधर से आप यमुना बाज़ार की तरफ से तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से इधर की जाने वाली एक महीने के लिए सड़क बंद कर रखी है, तो नहीं तो हम आपको दूसरी साइड भी ले जाते हैं आज। और थोड़ा सा जो उधर का बचा हुआ बाकी काम बचा हुआ है वो भी हम दिखा देते हैं। और ये इधर से यमुना जी आ रही है पीछे से वजीराबाद की तरफ से, और ये इसका सारा आपको नज़ारा दिखा रहे हैं पीछे का भी, पूरा जंगल क्षेत्र जंगल है पूरा, और ये खाली ये जो जगह है पूरी खाली पड़ी है यमुना जी का ये सारा। और ये देखिए आप पूरा पानी जो है इसका पूरा काला पड़ा हुआ है, और इसकी सफाई पर भी काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, हर साल दिल्ली गवर्नमेंट भी वगैरह करती है, लेकिन ये आज तक कभी साफ़ ही नहीं हुई। अगर ये साफ़ कभी होती भी तो हथनी कुंड से जब पानी छोड़ा जाता है तो वो जो गंदा पानी आगे चला जाता है और साफ पानी यहाँ आ जाता है, लेकिन इसका पानी देखोगे तो आप बहुत ही गंदा, पूरी कीचड़ है और कूड़ा बहुत ज़्यादा
इसके अंदर यमुना जी के किनारे पर आप देखोगे। और ये देखिए ऊपर सेटमेंट को जोड़ती हुई ये क्रेन लगी हुई है, जो ऊपर क्रेन के द्वारा जो सामान ये ग्रिल वगैरह उठा के जो फिटिंग किए जाते हैं, और आगे मजदूर भी लग रहे हैं, आप देखेंगे काफ़ी मजदूर लगे हुए हैं। और ये आगे के जो दो पिलर है, एक और दो पिलर, वो अभी जॉइंट नहीं हुए, और उसके आगे तो शायद हो सकता है एक पिलर हो, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है दोस्तों अभी दो तीन पिलर और आगे हों, इधर से दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आगे हमें दिखाई दे रहे हैं करीब हो सकता है तीन या चार पिलर अभी बाकी हैं जो अभी जॉइंट करने बाकी हैं। और बाकी आप पीछे से देखेंगे तो सारा कंप्लीट है, लोहे का पुल जो नया बन रहा है, और अभी हो सकता है इसको एक साल लग जाए, क्योंकि काम काफ़ी थोड़ा सा ऐसा है कि ग्रिल वगैरह का इसका गाटर वगैरह थोड़े भारी होते हैं और जॉइंट करने में काफ़ी समय लग जाता है। और ये नाव भी चल रही है, यहाँ पे नाव चला रहे हैं। और दोस्तों आज की ये लोहे की पुल हम आपको पूरी अपडेट शुरू से लेकर आखिर तक दे दिए। और दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।